रिपोर्ट्स पे आपके साथ में मैं हूँ नामिका। बात एक बार फिर से अगर कोरोना की करें तो इसका डर लोगों में इस तरीके से हो गया है कि बीमारी से मौत पर भी लोग डरने लगे हैं और उसे कोरोना पीड़ित मान करके उसके नज़दीक नहीं जा रहे हैं। रविवार को इसी फेर में करीब 7 घंटे तक शव जो था वो घर में पड़ा रहा, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया, जबकि मृतक की पत्नी रो रो कर ये भी कहती रही कि मौत जो है वो कोरोना से नहीं हुई है। आखिरकार मृतक की दो बेटियां वो भाई ने कंधा देकर के अंतिम संस्कार किया। कादिरगंज थाना क्षेत्र की डेवा पंचायत के रामगढ़ गांव में रविवार को राजू सिंह जो कि 32 साल के थे के पुत्र सुरेश सिंह की असमिक मौत हो गई। उनकी तबीयत कुछ दिनों से खराब थी, इसके बाद गांव वालों ने अफवाह फैला दी कि राजू की मौत कोरोना से हुई है। फिर क्या था, पत्नी गांव वालों से मदद मांगती रह गई लेकिन कोई भी नजदीक नहीं पहुंचा। करीब 7 घंटे तक के इंतजार के बाद भी जब कोई नहीं आया तो मृतक की दो बेटियां प्रिया और रितु जिसकी उम्र मात्र 10 साल और 12 साल थी और उनके साथ में उनका भाई राजू के भाई जो थे वो देवानंद ने जैसे तैसे पीपीई किट का बंदोबस्त किया। फिर देवानंद ने पीपीई किट पहन करके शव उठाया और दर्दा नदी के तट पर ले जा करके उसका अंतिम संस्कार किया। ग्रामीणों ने बताया कि 4 दिन पहले राजू की बहन की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। फतवा के शमशान घाट पर बहन के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद से ही राजू जो था वो बीमार पड़ गया था। कई दिनों से पत्नी उसका स्थानीय स्तर पर उपचार करा रही थी लेकिन रविवार को उसने दम तोड़ दिया। रामगढ़ गांव में राजू सिंह की मौत की सूचना किसी ने धनुआ पीएससी व मसौड़ी एसडीओ को भी दी, लेकिन सूचना मिलने के बाद भी अधिकारी अपनी जिम्मेवारी से बचते रहे। एसडीओ अनिल कुमार का कहना था कि राजू की कोरोना से मौत व संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई, ये मामला पूरी तरीके से सामाजिक है। देखिए, चाहे मामला जो भी रहे हो लेकिन आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर परिवार में कम लोग हैं या फिर परिवार में कोई नहीं है और कोई मदद के लिए आपसे गुहार मांग रहा है ऐसे नाजुक दौर में, तो आपकी क्या जिम्मेवारी बनती है? आप क्या मदद के लिए आगे नहीं आएंगे ऐसे वक्त पर? ये जो मामला है वो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा मानवता को कह सकते हैं कि जो दो छोटी छोटी बेटियां हैं उन्हें अंतिम संस्कार करने जाना पड़ा क्योंकि लोग मदद के लिए सामने नहीं आए। वाकई में शर्म से शर्मनाक घटना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, नामिका को दीजिए इजाजत, नमस्कार।